एक समय एक गांव हुआ करता था। उस गांव के बाहर एक बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उस जंगल में रंग बिरंगे फूल थे और बहुत ही खूबसूरत पशु पक्षी भी थे। हर कोई इनकी बहुत तारीफ करता, परंतु उनमें से एक बंदर था जिसकी पूंछ नहीं थी, इसलिए जब भी लोग उसे देखते खूब हंसते और मजाक उड़ाते। एक दिन गांव के मुखिया ने सोचा, ये बिना पूंछ का बंदर हमारे जंगल की खूबसूरती को कम कर रहा है, और ये सोचकर उन्होंने बंदर को मारने का फैसला किया। फिर उन्होंने गांव के चार व्यक्तियों को जंगल में भेजकर बंदर को मारने के लिए कहा। उन चारों में एक व्यक्ति था हरी। हरी स्वभाव का बहुत दयावान था, वो जंगल के सारे रास्ते जानता था, इसलिए मुखिया ने उसे भेजा था। परंतु हरी बंदर को मारना नहीं चाहता था। फिर उन्हें वो बिना पूंछ का बंदर एक पेड़ पर बैठा दिखा। उन व्यक्तियों ने उसे तीर मार दिया और वहां से चले गए। फिर हरी ने मौका देखते ही चुपके से तीर लगे बंदर को उठाया और उसे अपने घर ले गया, और हरी ने बंदर की मरहम पट्टी की और खूब देखभाल की। फिर बंदर धीरे धीरे सही होने लगा। एक दिन बंदर हरी से बोला, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। ये देख हरी चौंक गया और अचरज से बोला, तुम बंदर होकर भी कैसे बोल सकते हो? तो इस पर बंदर ने कहा, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई बंदर हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। और फिर बंदर हरी को अपने साथ जंगल में ले गया और एक बरगद के पेड़ के तने से एक सिक्के से भरी पोटली निकालकर हरी को देते हुए कहा, तुम्हें जब भी कोई जरूरत पड़े तुम्हारी मदद मैं जरूर करूंगा। सिक्के पाकर हरी बहुत खुश हुआ। अब हरी को जब भी पैसे की जरूरत होती तो जंगल में बिना पूछे बंदर के पास जाता और पैसे ले आता, और धीरे धीरे हरी धनवान होने लगा। एक बार गांव के मुखिया को ये बात पता चली तो मुखिया के मन में लालच आ गया, और वो भी बंदर के पास सोने के सिक्के लेने पहुंचा। जंगल में जाकर मुखिया ने बंदर से सिक्के मांगे तो बंदर ने कहा, तुम मुझे मारने वाले थे, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुखिया, मैं नहीं जानता था कि तुम सोना देने वाले बंदर हो, इसलिए गलती हो गई। अब मुझे माफ कर दो और जल्दी से सोना दो। ये सुनकर बंदर जल्दी ही समझ गया कि मुखिया तो बहुत लालची है। तो बंदर ने सोचा, इस लालची को सबक सिखाने का मौका है। ये सोचते हुए बंदर ने मुखिया से कहा, ठीक है, तुम ये पास वाले केले के पेड़ से केले तोड़ के लाओ। फिर मुखिया ने पेड़ से केले लिए और अपने बैग में डाल दिए। थोड़ा आगे जाने पर मुखिया सोचने लगा, इस धूर्त बंदर ने सोना देने के बजाय ये केले क्यों दिए मुझे? भिखारी हूं क्या? और ये सोचकर उसने केले फेंक दिए और घर चला गया। घर जाकर उसने देखा तो बैग में दो केले रह गए थे। तो उसने कहा, अरे ये कहां रह गए, चलो कोई बात नहीं, मैं ही खा लेता हूं। और फिर मुखिया खाने के लिए जैसे ही केले को छीलता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि केला अंदर से सोने का था। अब वो बहुत पछताने लगा और बोलने लगा, अरे मैंने क्या कर दिया, इतने सारे सोने के केले फेंक दिए। और फिर मुखिया केले लेने वापस गया, पर उसे कुछ नहीं मिला, और आखिर में रोते रोते बिना पूंछ के बंदर के पास फिर पहुंचा और कहा, मेरे पूछना होने के कारण तुमने मुझे बदसूरत मान लिया और मुझे मारने के लिए कहा। ठीक वैसे ही तुमने सिर्फ बाहर से ही देखा और अंदर से केले को मामूली समझकर फेंक दिया। तुमने अगर अंदर देखा होता तो तुम्हें सोना जरूर मिलता, परंतु अपने स्वभाव के कारण तुमने ऐसा नहीं किया और खुद ही अपना नुकसान कर बैठे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बंदर की बात सुनकर मुखिया बहुत दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उसने ऐसी गलती ना करने का वादा कर लिया।